हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक फॉर क्लास फोर्थ एंड फिफ्थ इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। आज हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होता है, कैसे इनको फाइंड आउट किया जाता है। नाउ फैक्टर्स, फैक्टर्स होता है गुणनखंड, गुणनखंड मींस टू नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। सपोज 6, 6 2 3 जा 6, तो 2 और 3 कि जो मल्टीप्लाई है वो क्या है, 6। जब हम 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 किस किस से डिवाइड हुआ, 2 से और 3 से, तो 2 और 3 फैक्टर है किसके, 6 के। सिक्स के फैक्टर है 2 एंड 3, इसको हम लिख सकते हैं 6 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 3 एंड 6 डिवाइड 3 इज इक्वल टू 2। ये तो हो गया ऐसे। अगर इसको मैं सिंपली वे में बताना चाहूं, जब कोई नंबर किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है तो जो नंबर डिवाइड करता है वो डिवाइड करने वाले होने वाले नंबर का फैक्टर होता है। इट मींस डिवाइडेंट एंड डिविजर, डिविजर इज ए फैक्टर ऑफ डिवाइडेंट इफ रिमाइंडर इज 0। इन अदर वर्ड्स, इफ वन नंबर कंप्लीटली डिवाइड अनदर नंबर, then the number is the factor of dividend। थ्री सिक्स जा 18। here remainder is zero, तो we can say that 3 and 6 both are the factor of dividend, it means 18। तो आपका divisor and quotient both are factor of dividend if remainder is 0। divisor and quotient are the factors of dividend if remainder is 0। यदि कोई नंबर किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है, देन डिविजर एंड कोशियंट आर द फैक्टर ऑफ डिवाइडेंट। तो इट मींस जो 3 एंड 6 है वो फैक्टर है किस किस के, 18 के। वैसे तो इसके अदर फैक्टर्स और भी है, 2 बीस का फैक्टर है, 9 बीस का फैक्टर है, तो ये एक अलग वे है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं हम। तो कहने का मतलब यह है हमारा, जब भी कोई नंबर किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है तो डिवाइड करने वाला नंबर डिवाइड होने वाले नंबर का हमेशा फैक्टर होता है।
जैसे 48 है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 48 तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे टू नंबर्स के साथ किस किस से ये डिवाइड होता है और किस किस की मल्टीप्लाई 48 आती है हमारे पास 1 × 48 2 × 24 3 × 16 4 × 12 एंड 6 × 8 अगर मैं 6 के बाद नंबर लेता हूं तो ये नंबर हमारे रिपीट हो जाएंगे तो हम अपनी प्रोडक्ट को वहीं तक ले जाते हैं जहां तक हमारे नियरेस्ट नंबर आ जाए क्लोजेस्ट नंबर आ जाए और 6 और 8 हमारे क्या है क्लोजेस्ट नंबर है तो फैक्टर्स ऑफ 48 आर यहां से शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 and 48 तो इस प्रकार हम अपने फैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आप ऐसे देखते हैं अभी किस किस से नंबर से हमारा गिवन नंबर डिवाइड होता है तो ऐसे टाइम बहुत सारा लग जाएगा तो हम प्रोडक्ट के रूप में इसको फाइंड आउट करते हैं फिर जो जो प्रोडक्ट नंबर है वो सारे 48 के क्या आ जाएंगे फैक्टर्स आ जाएंगे नाउ 84 का फाइंड आउट करते हैं हम नाउ फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 84 सिमिलरली वे फाइंड आउट सिमिलरली वे से करेंगे हम इसी प्रकार 1 × 84 फॉर इवन नंबर है 2 से डिवाइड होता है 2 × 42 3 × 3 = 6 4 × 8 = 4 6 से 6 × 1 = 6 2 × 6 = 4 7 से 7 × 1 = 7 7 × 2 = 14 और इसके बाद फिर 8 से डिवाइड नहीं होता 9 से भी नहीं होता 10 से तो होता ही नहीं ऐसे 11 से नहीं फिर 12 आ गया हमारे पास वैसे भी जब हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं जो यहां नंबर आता है उसी के भी फैक्टर यहां पर होने चाहिए जैसे 42 है 6 से भी होता है और 7 से भी होता है 28 है 4 से भी होता है 7 से भी होता है 21 है 3 से भी होता है 7 से भी होता है इस प्रकार अगर कोई फैक्टर्स आप भूल जाते हो कंफ्यूज हो जाते हो तो आप जो इधर प्रोडक्ट है उससे भी देख सकते हैं कि कोई ऐसा नंबर तो नहीं छूट गया जिससे आपका फैक्टर मिसिंग हो जाए इस प्रकार करने से यहां से प्रोडक्ट देख सकते हैं हम कि कोई नंबर हमारा मिस हुआ है या नहीं हुआ है तो नाउ फैक्टर्स ऑफ 84 आर 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42 and 84 अब लेते हैं 63 अब 63 के फैक्टर्स हम फाइंड आउट करना चाहते हैं
तो 63 क्या है हमारे पास, ओड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से देखते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 टू जा 6, 3 वन जा 3, 4 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, 6 से नहीं होता, 7 से, 7 9 जा 63, सॉरी वो रह गया हमारा 1 मल्टीप्लाई 63, 7 9 जा, अब 7 और 9 क्लोजेस्ट नंबर आ गए, तो इसके बाद हमें कोई नंबर नहीं मिलेगा, तो नाउ फैक्टर्स ऑफ 63 1, 3, 7, 9, 21 and 63. फैक्टर्स में ध्यान देने वाली बात है कि वन और नंबर, वन और नंबर सभी में आते हैं, तो टू फैक्टर्स तो सभी नंबर के होते ही होते हैं। फैक्टर्स में जो फैक्टर्स होते हैं किसी भी नंबर के, वो या तो नंबर के इक्वल होंगे या उससे छोटे होंगे। तो अगर नंबर के इक्वल है, नंबर से छोटे है, तो हम फैक्टर्स को काउंट कर सकते हैं कि किसी भी नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स हमारे काउंटेबल होते हैं, उनको काउंट किया जा सकता है। अब एक नंबर और लेते हैं हम, 56। 56 के हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो 56 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 56, 2 मल्टीप्लाई 28, 4 मल्टीप्लाई 14, 5 से नहीं होता, 6 से नहीं होता, 7, 8 जा, अब हमारे क्लोजेस्ट नंबर आ गए, नियरेस्ट नंबर आ गए, तो अब हमें आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। तो फैक्टर्स ऑफ 56 आर 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 and 56। तो इस प्रकार स्टूडेंट हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल मीन गुणज। जब हम किन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 7, 6 जा 42, तो 7 और 6 का जो मल्टीप्लाई है वो क्या है, 42। तो 42 हमारा क्या है, मल्टीपल है। 42 इज ए मल्टीपल ऑफ 7 and 6। अब यहां पर जो हमारी लाइनिंग थी वो चेंज हो गई। जब मैंने फैक्टर्स की बात की थी, 7, 6 जा 42, तो मैंने क्या किया था, 42 divide 7 is equal to 6 and 42 divide 6 is equal to 7। वहां पर 6 और 7 आर द फैक्टर्स ऑफ 42, बट हेयर 42 इज ए मल्टीपल ऑफ 6 and 7। तो लाइनिंग हमारी क्या हो गई, चेंज हो गई। वहां पर हमने डिवाइड करके दिखाया था, फिर यहां पे मल्टीप्लाई में ही जो मल्टीप्लीकेशन आई है वो मल्टीपल है, किसका, 7 and 6 बोथ का। तो ये बात ध्यान देने वाली है इसमें।
एट नाइन जा 72, तो 72 इज ए मल्टीपल ऑफ 8 एंड 9। अगर मैं इसको बताना चाहूं 9 क्या है, तो 9th मल्टीपल ऑफ 8 इज 72, जो मल्टीप्लाई करके आया है वो उसका काउंटिंग मल्टीपल है। क्या उसका काउंटिंग मल्टीपल, जैसे 8 मल्टीप्लाई 9 क्या हो गए 9th मल्टीपल ऑफ 8, 8 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 72। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं 9 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 72, फिर क्या हो जाएगा हमारा 8th मल्टीपल ऑफ 9। तो वहां पर तो जो गुणा करके मल्टीप्लाई करके आ रहा था, तो जो मल्टीप्लाई करने वाले नंबर थे वो फैक्टर थे, और यहां पर मल्टीप्लाई होने वाला नंबर क्या है, मल्टीपल है। तो ये फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस है। वहां पर जो छोटे नंबर है मल्टीप्लाई होकर जो नंबर आया है वो तो फैक्टर हो जाएंगे, और यहां पर जो मल्टीप्लाई होकर नंबर आया है वो मल्टीपल हो जाएगा। कुछ और नंबर्स लेते हैं हम, जैसे 12 मल्टीप्लाई 9, 12 9 जा 108, तो दिस इज द मल्टीपल। 12 का 9th मल्टीपल या 9 का 12th मल्टीपल क्या है हमारा 108। 15 7 जा 105, तो 105 इज ए मल्टीपल ऑफ 15 एंड 7 बोथ। तो जो भी, तो मल्टीपल्स इज ए, मल्टीपल इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, टू नंबर्स। फैक्टर्स में काउंटेबल होते हैं, यहां पर जब हम मल्टीपल फाइंड आउट करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई तो हम किसी भी नंबर की किसी से भी कर सकते हैं। जब हमारे पास जो नंबर्स है वो क्या है, इनफाइनाइट है, इसी प्रकार मल्टीपल्स भी हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट है, इनको काउंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हम किन्हीं भी टू नंबर्स को प्रोडक्ट कर सकते हैं, परंतु नंबर्स हमारे पास इनफाइनाइट है, तो मल्टीपल्स भी कितने हो जाएंगे हमारे पास, इनफाइनाइट हो जाएंगे। परंतु फैक्टर्स, फैक्टर्स काउंटेबल होते हैं, क्योंकि उनको डिवाइड करके फाइंड आउट किया जाता है। कॉमन मल्टीपल भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम, मुझे यहां पर कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है 18 एंड 36 का। जब भी कॉमन मल्टीपल्स की बात होती है तो हम केवल पहला कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद उसी के मल्टीपल्स राइट कर देंगे, वो हमारे कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे। जैसे मल्टीपल्स ऑफ 18, 18, 36, 54, 72, डैश डैश डैश,
मल्टीपल्स ऑफ 36 इज इक्वल टू 36, 72, 108 डैश डैश डैश। तो कॉमन मल्टीपल ऑफ 18 एंड 36 इज इक्वल टू 36, फिर 36 के ही मल्टीपल्स आ जाएंगे 72, 108 डैश डैश डैश। तो जब भी कॉमन मल्टीपल की बात आती है तो हम केवल फर्स्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे, फिर उसी के बाद उसी के मल्टीपल्स आ जाएंगे, तो वो बोथ नंबर्स के कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे। इसी प्रकार कॉमन फैक्टर्स में है, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 48 एंड 72। तो 48 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 48, 2 मल्टीप्लाई 24, 3 मल्टीप्लाई 16, 4 मल्टीप्लाई 12, 6 मल्टीप्लाई 8। 72 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 72, 2 मल्टीप्लाई 36, 3 मल्टीप्लाई 24, 4 मल्टीप्लाई 18, 6 मल्टीप्लाई 12, 8 मल्टीप्लाई 9। तो फैक्टर्स ऑफ 48 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 and 48। फैक्टर्स ऑफ 72 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 and 48। तो कॉमन मल्टीपल में क्या आएगा हमारा, ओ सॉरी, कॉमन फैक्टर में जो भी फैक्टर्स हमारे दोनों में है, वन है, वन सभी में होता है, तो 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। तो ये हमारे क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो इस प्रकार स्टूडेंट हम अपने फैक्टर्स और मल्टीपल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसी प्रकार हम अपने कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में जाके राइट कर सकता है, नेक्स्ट टाइम उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी जाएगी। थैंक यू।